उत्तराखंड की राजनीति के कद्दावर नेता विधायक मंगलोर काजी निजामुद्दीन जी हमारे साथ हैं। चुनाव प्रचार घर घर जाकर कर रहे हैं, से बात करते हैं। लेकिन कोविड को देखते हुए चुनाव प्रचार में जो घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, क्या नया देखने को मिलता है? कोविड में बड़ी जनसभाएं नहीं हो सकती, मीटिंग्स नहीं हो सकती। हम लोग कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कई बार बहुत दिक्कत आती है, जहां जाते हैं और लोग प्यार मोहब्बत में आने की कोशिश करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके। पहली बार आप 3-4 चुनाव लड़ चुके हैं, पहली बार ऐसे देखने को मिला है कि जनसभाएं नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को घर घर जाके समझाना पड़ रहा है। तो अब समझाना तो नहीं कह सकते, इसको जनसंपर्क कहेंगे, क्योंकि लोग जानकार हैं, समझदार सब हैं। हम जनता की समझ पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। जनता सब जानती है, सब जानते हैं। आज की तारीख में सब अपने आप में सक्षम है, सोच रखते हैं। तो ये तो सिर्फ हमारा एक घर जाकर निवेदन है कि हमें सहयोग करें, हमारी पार्टी को वोट दें। तो प्रचार माध्यम भी बदल गए, वो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी इंट्रैक्शन लोगों के साथ हो जाता है। तो लेकिन अब व्यक्तिगत रूप से जब जाते हैं, मिलते हैं, तो उसमें थोड़ा ये समय ज़्यादा लग रहा है। आपने एक चीज कही थी कि जनता चाह रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, इस पर अब क्या कहना चाहिए? जब मैंने ये बात कही थी उस समय, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। और उस दिन के बाद और आज में एक अंतर आ गया कि उस दिन मैंने कहा था कि स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, आज मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आज प्रचंड बहुमत की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है और बहुत भारी तादाद में यहाँ पर कांग्रेस को सीटें मिलेंगी और ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड में होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। काजी जी, एक शेर है कि ना खुदा ने मिला ना विशाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। पश्चिम उत्तर प्रदेश के आपकी राज्य पार्टी के राज्य सचिव इमरान मजीद का यही हाल है, क्या कहेंगे उनके बारे में कांग्रेस को? आज से क्या हम उत्तराखंड के चुनाव के प्रत्यक्ष में बात कर रहे हैं, आपकी राज्य सचिव है, अभी मंगलौर के प्रत्याशी के रूप में मैंने टिकट के लिए मैंने आवेदन कर रखा है कांग्रेस पार्टी के लिए, और हमने उत्तराखंड के प्रत्याशी में जो सवाल हैं उन सबके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अभी ये जानकारी नहीं हुआ क्या क्या नहीं, कितनी स्थिति होंगी, क्या होंगी, लेकिन जो कांग्रेस हो रहा कांग्रेस को मुझे कोई व्यक्ति पाई नहीं। हरत सिंह रावत के बारे में क्या कहते हैं? हरत सिंह रावत 3-4 दिन से लगातार कांग्रेस में आना चाह रहे हैं, लेकिन रावत जी उनको स्वीकार नहीं कर रही, क्या कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है? क्या कहें किसी भी व्यक्ति का किसी स्तर पर कांग्रेस जाने को महसूस करती है, और जो मंत्री रहे या प्रदेश के नेता के रूप में जो लोग स्थापित होते हैं उनको भी पार्टी ज्वाइन करने की एक प्रक्रिया है, जिसका अंतिम निर्णय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष लेती है। तो ये प्रक्रिया का पालन हो रहा है, जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष में अपना निर्णय लेंगे तो उनके भी मांग कर पाएगा। तो इसकी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कैसी बात करें तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें कोई टिप्पणी होना। जिस तरह से 2016 में कांग्रेस के नेता 12 विधायक जो हैं बीजेपी में चले गए थे और उन्होंने चुनी हुई सरकार को गिराने का घृणित काम किया था, क्या कांग्रेस और उत्तराखंड की जनता उसे भुला पाएगी? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उस वक्त बजट चलते हुए वो लोग फ्लोर क्रॉस किए थे, उस टाइम की एक राजनीतिक परिस्थिति रही थी, तो कभी भी किसी भी लोकतंत्र पर कोई बात आँच आए तो वो उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा। लेकिन हाँ, परिस्थितियाँ बदलती हैं और कोई अगर अपनी गलती माने तो घर का बेटा घर का बच्चा अगर अपनी गलती माने तो ये थोड़ी है कि उसको सजाए मौत की सज़ा दी जाएगी। तो अगर गलती कोई अपनी मानता है और गलती मानने के बाद ये वादा करता है कि आइंदा वो कोई किसी तरह की गलती
ना करे तो हमेशा उसका स्वागत करना उचित होगा। ये गवाह जा रही है कि अरब सिंह रावत का हाल भी इमरान मसूद जैसा हो गया है, क्या कहेंगे? अब मुझे इमरान भाई और तरक भाई आपस में बात करें, जो उनकी आपस की बात होगी मैं इसमें क्या कहूँगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड की राजनीति के कद्दावर नेता काजी नियामुद्दीन जी, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर घर का बच्चा भी घर से नाराज हो जाए और वो आना चाहे तो उसको नहीं रोका जा सकता। अभी कांग्रेस अध्यक्ष इस पर फैसला लेगा। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार, मंगलवार।